हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिना और आप लोग देख रहे हो बिना टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ राजेश एक्सपोर्ट का Q3 रिजल्ट के बारे में। तो क्या रहा राजेश एक्सपोर्ट का Q3 रिजल्ट, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये रहा राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड के तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है ऑन February 14, 2024 को, और इस नोटिफिकेशन में Q3 का रिजल्ट जो है वो अनाउंसमेंट किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं डिटेल में क्या रहा Q3 रिजल्ट के बारे में। तो आप लोग देख सकते हो ये रहा राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड का Q3 रिजल्ट के बारे में, जो अप टू December 31, 2023 तक ये रिजल्ट है, और कैलकुलेशन मिलियंस में है, ठीक है, जो भी कैलकुलेशन है। और क्वार्टर एंडेड, 9 months एंडेड, ईयर एंडेड, टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो करंट क्वार्टर में 6,54,889, और पिछले क्वार्टर में 3,80,794, और उससे पहले क्वार्टर में 9,44,752। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अभी भी लैग कर रहा है, ठीक है। और एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस कंपनी कितना खर्चा कर रहा है करंट क्वार्टर में 6,54,762, और पिछले क्वार्टर में 3,80,264, और उससे पहले क्वार्टर में 9,40,521। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक्सपेंसेस घटा हुआ है। और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड करंट क्वार्टर में 124.25 मिलियन, और पिछले क्वार्टर में 453.13 मिलियन, और उससे पहले क्वार्टर में 4,215 मिलियन। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे प्रॉफिट जो है घट रहा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे बहुत ज्यादा घट गया है इन प्रॉफिट, ठीक है। और ईपीएस अर्निंग पर शेयर करंट क्वार्टर में 0.42, पिछले क्वार्टर में 1.53, और उससे पहले क्वार्टर में 14.28। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे ईपीएस घट रहा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी यहाँ पे ईपीएस बहुत ज्यादा घट गया है। तो ये था राजेश एक्सपोर्ट का Q3 रिजल्ट के बारे में। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल, प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।